कल रात्रि 2 से 3 बजे के बीच कुछ बदमाशों ने बरवपुरा स्थित उद्गम रेजेंसी में चोरी की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि लुटेरों द्वारा घर में आए मेहमानों से हथियारों के दम पर लाखों रुपए के जेवर उतरवा ले गए। फरियादी डॉक्टर योगेंद्र साख प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल ऑफिसर है। उन्होंने बताया कि वे अपने घर के ऊपर कमरे में सो रहे थे, तभी उनकी दीदी ने आकर सूचना दी कि उनके घर में चोरी हो गई। जब वे नीचे आए तो घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था और अलमारी के दरवाजे टूटे हुए थे। हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर योगेंद्र शाक्य है। मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ठेहे पदस्थ हूँ, मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पे। मेरे निज निवास गुना में उद्गम रेजिडेंसी में घर है और करीब 3:30 बजे मेरी दीदी का कॉल मुझे आया था। मैं ऊपर वाले रूम में सो रहा था, उन्होंने बोला कि नीचे आ जाओ, चोरी हुई है नीचे। तो मैंने गेट खोला तो मेरा गेट बाहर से लगा हुआ था, तो दीदी ने आके खोला और नीचे आया तो पता चला कि पूरा सामान ले गए थे। दीदी से पूछताछ के बाद पता चला कि उन्होंने सरिया और पत्थर बच्चों को मारने के लिए बोले, बच्चों को मार देंगे, आप लोग पूरे गहने उतार दो। तो उन्होंने पूरे गहने उतार के दे दिए और पूरा सामान अलमारी में से ताला तोड़ के ले गए। कुछ पैसे से संबंधित बात बोल रहे थे? पैसे पर्स में से कुछ नकदी थे, 8,000 लाख के पर्स में से थे, कुछ 10,000 ऐसे दीदी के पर्स में से 10,000 ऐसे कुल मिला के 23,000 रुपये वो ले गए। नहीं, कुछ और सूचना दे रहे थे जैसे पैसे निकालो, कुछ उनको खबर थी क्या? हाँ, बोल रहे थे कि आपके घर में 2 करोड़ रुपये है, हमको किसी ने सूचना दी है, तो इस तरह की बातें कर रहे थे। तो इसकी शिकायत आपने थाने में? मैंने इसकी शिकायत थाना 100 डायल में मेरे जीजाजी के मोबाइल से करा था। तो 1 घंटे बाद 100 डायल आई थी, उसके बाद लिखा पढ़ी करके वो ले गए। लगभग कितने का माल हुआ पूरा टोटल? टोटल 7-8 लाख रुपए। फरियादी का कहना कि बदमाश आपस में बातें कर रहे कि कोई ने उनसे कहा है कि इस घर में 2 करोड़ रुपए हैं। फरियादी के अनुसार उनके घर में बदमाश लाखों रुपए का सोना चांदी के जेवर सहित नकदी 23,000 रुपए चोरी कर ले गए।